दोस्तों आज इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूं Samsung Galaxy F41 डिवाइस का। दोस्तों इस डिवाइस को मैंने रिसेंटली Flipkart से परचेज किया था, तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस डिवाइस के साथ क्या क्या चीजें मिलता है, क्या क्या खूबी है एंड क्या क्या प्रॉब्लम है। इन सभी चीजों के बारे में इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों सबसे पहले इस डिवाइस को मैं अनबॉक्स कर लेता हूं क्विकली। ये देखिए ये डिवाइस ऐसे एक बॉक्स के साथ आता है, काफी प्यारा सा बॉक्स है, बिल्कुल कलरफुल, और बॉक्स में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, प्राइस दिया हुआ है। ओके अभी इस बॉक्स को मैं ओपन कर लेता हूं। ये देखिए सबसे ऊपर आपको डिवाइस मिल जाता है, डिवाइस के बारे में हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। उसके साथ ही यहाँ पे मैनुअल इंस्ट्रक्शंस मिल जाते हैं, साथ ही आपको मिलता है चार्जिंग अडेप्टर और USB टाइप सी केबल मिल जाता है यहाँ पे। ये डिवाइस फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। अगर मैं फिजिकल ओवरव्यू के बारे में बात करूँ तो नॉर्मल मोबाइल में जितने सारे फिजिकल बटन्स होते हैं सारे इस डिवाइस में हैं, जैसे वॉल्यूम रॉकर, सिम ट्रे, स्पीकर, USB टाइप सी पोर्ट, पावर बटन, ये सारे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ओके डिवाइस को एक बहुत ही ग्लॉसी एंड ग्रेडियंट लुक दिया गया है। पीछे की तरफ आपको 3 कैमरा का सेटअप मिल जाता है और सामने आपको एक कैमरा मिल जाता है। तो इस डिवाइस के साथ आपको 6.4 इंच का एक डिस्प्ले मिल जाता है, जिसका रिजोल्यूशन है 1080x2340 पिक्सल्स। एस्पेक्ट रेशियो है 19.5:9। जो पिक्सल डेंसिटी है वो है 403 PPI, जो कि इंडस्ट्री बेस्ट है। बहुत ही अच्छा डिस्प्ले इस डिवाइस के साथ आपको मिल जाएगा। जो डिस्प्ले टाइप है वो सुपर एमोलेड है, टच स्क्रीन है और मल्टीटच इस डिवाइस के साथ आपको मिल जाता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 83.92% है। ओवरऑल जो डिस्प्ले का क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छा है। मैं एक वीडियो यहाँ पे आपको प्ले करके दिखा रहा हूँ एक पुराने सैमसंग डिवाइस के साथ। हो सकता है कि आपको एक्चुअल जो क्वालिटी डिफरेंस है वो इस वीडियो में नहीं दिखाई दे, क्योंकि YouTube में जो वीडियो आपको पब्लिश हो रहा है वो प्रोसेस होके हो रहा है। अगर मैं परफॉर्मेंस रिलेटेड फीचर्स के बारे में बात करूं तो इस डिवाइस में जो चिपसेट यूज़ किया गया है वो है Samsung Exynos 9 Octa 9611। जो प्रोसेसर है वो ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। यहाँ पे जो 4 कोर है उसका स्पीड है 2.3 GHz एंड बाकी 4 का स्पीड है 1.7 GHz। तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इस डिवाइस के साथ मिल जाएगा। कोई भी गेम PUBG वगैरह आप बिल्कुल फ्लॉलेसली इस डिवाइस के साथ प्ले कर सकते हो। डिवाइस का जो आर्किटेक्चर है वो है 64 बिट्स का। ग्राफिक्स यहाँ पे यूज़ किया गया है माली G72MP3। इस डिवाइस के साथ आपको 6 GB का रैम मिल जाता है। अगर मैं स्टोरेज के बारे में बात करूं तो इस डिवाइस के साथ आपको 64 GB का इंटरनल मेमोरी मिल जाता है, जिसको आप 512 GB तक एक्सपेंड कर सकते हो। और यूजर अवेलेबल जो स्टोरेज है वो 49.2 GB का है। इसका और एक वेरिएंट है जिसमें आपको 128 GB का इंटरनल स्टोरेज मिल जाता है। अगर मैं कैमरे के बारे में बात करूं तो इस डिवाइस के पीछे की तरफ आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है। जो प्राइमरी कैमरा है वो 64 MP का है विथ f1.8, अप टू 6x डिजिटल जूम आपको इस डिवाइस के साथ मिल जाएगा। ओके उसी के साथ आपको एक 8 MP f2.2 का एक वाइड एंगल कैमरा भी यहाँ पे मिलता है, जिसके मदद से आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी आराम से कर सकते हो। काफ़ी अच्छी पोर्ट्रेट फोटोग्राफी मिल जाता है। और यहाँ पे एक 5 MP f2.2 का एक डेप्थ कैमरा है, जिसके मदद से आप बोके इफेक्ट वाले फोटोज काफ़ी ईज के साथ खींच सकते हो। एज डिटेक्शन काफ़ी अच्छी है। मैं कुछ सैम्पल फोटोग्राफ्स आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, जिसके मदद से आप अंदाज़ा लगा पाएँ कि किस तरह का फोटोग्राफी आप इस डिवाइस के साथ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ऑटो फोकस आपको मिल जाता है, फ्लैश मिल जाता है। जो इमेज रिजोल्यूशन मैक्सिमम यहाँ पे मिलता है वो है 9000x7000 pixels का। ऑटो मोड यहाँ पे अवेलेबल है, जिसमें आप एक्सपोजर, ISO, ये बाकी सारे कंट्रोल जो हैं वो आपको अवेलेबल होंगी। अलग अलग शूटिंग मोड्स यहाँ पे मिल जाता है। ओवरऑल अगर कैमरे के बारे में बात करूं तो काफ़ी अच्छा कैमरा यहाँ पे दिया गया है। तो ओनली ड्रॉबैक जो मुझे यहाँ पे लगा वो है कि वीडियो में आपको 30 FPS से ऊपर आपको फ्रेम रेट नहीं दिया गया है। मतलब अगर आप स्लो मोशन वीडियोस या फिर हाई फ्रेम रेट में शूट करना चाहते हो तो इस डिवाइस के साथ आप नहीं कर पाओगे। हालांकि इस डिवाइस के साथ आपको सुपर स्लो मोशन का ऑप्शन मिल जाता है। अगर मैं फ्रंट कैमरा के बारे में बात करूँ, यहाँ पे सिंगल कैमरा है 32 MP का और इसका फोकल लेंथ है 2। इसके साथ भी आप वाइड एंगल फोटोग्राफी कर सकते हो। अगर मैं बैटरी के बारे में बात करूं तो इस डिवाइस के साथ आपको 6000 mAh का
लिथियम आयन बैटरी मिल जाता है जो कि आपको 48 आवर्स तक टॉक टाइम दे देता है। क्विक चार्जिंग इस डिवाइस के साथ अवेलेबल है। USB टाइप सी पोर्ट आपको मिलता है जैसे कि मैंने पहले आपको बताया। अगर मैं नेटवर्क कनेक्टिविटी के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे हर तरह का नेटवर्क जैसे 4G 3G 2G सपोर्ट करता है। इस डिवाइस के साथ आप दो सिम यूज़ कर सकते हो, दोनों नैनो सिम यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। वॉल्टी ये डिवाइस सपोर्ट करता है। इसके साथ ही आपको वाईफाई मिल जाता है, ब्लूटूथ डिवाइस वर्जन 5 मिलता है, GPS इस डिवाइस के साथ मिल जाता है। और यहाँ पे ऑडियो के बारे में अगर बात करूँ तो नीचे की तरफ जैसे मैंने पहले बताया 3.5 mm का एक ऑडियो पोर्ट मिल जाता है और ऑडियो फीचर में आपको डॉल्बी एटमोस मिल जाता है। अगर स्पेशल फीचर्स के बारे में बात करूँ तो फिंगरप्रिंट सेंसर है इसमें और अदर सेंसर्स जैसे लाइट सेंसर्स, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, गायरोस्कोप, ये सारे जो सेंसर्स हैं इस डिवाइस के साथ आपको मिल जाता है। ओवरऑल एक काफ़ी कॉम्पैक्ट एंड पावरफुल डिवाइस है। इस प्राइस रेंज में डेफिनेटली आप इस डिवाइस को आपके प्रायोरिटी लिस्ट में रख सकते हो। अगर इस डिवाइस से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक क्वेरी आपके मन में है तो डेफिनेटली आप कॉमेंट करके बताएं, मैं ज़रूर आपके कॉमेंट का रिप्लाई करूँगा। अभी के लिए बस इतना ही और मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।